नमस्कार दोस्तों, MRG चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों नमस्कार, आज अपन एक मेसू फर्गुसन ट्रैक्टर है 241, इसका क्लच के अंदर एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है और क्लच का सेटिंग नीचे से कैसे करते हैं, नीचे से सेटिंग करके देखते हैं। यहाँ से ये ट्रैक्टर में ये प्रॉब्लम है कि आप क्लच में ट्रैक्टर रुकना चाहिए और PTO चलना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, आप क्लच करते हैं तो PTO भी रुक जाता है और ट्रैक्टर भी रुक जाता है। इसका मतलब इसका PTO का सेटिंग ऊपर आ गया है, उस सेटिंग को कम करना है, लेकिन अपने को दो जोड़ ना करते हुए कम करना है। ये देखो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये देखो इसको अभी चालू करते हैं, एक मिनट। क्लच के नीचे से सेटिंग कैसे करते हैं वो देख। ये देखो दोस्तों, अभी अपन ने पहले फिंगर को लिया है, पहले फिंगर को अपन ये एक मार्क कर देते हैं। इस मार्क से अपने को मालूम चलेगा कि पहला फिंगर ये है। इसमें क्या है कि फिंगर गेज की अपन ने 45 नंबर की 45 थाव की पत्तियां लेते हैं, जो ये है। देखो ये पत्तियां हैं, मैंने 45 की पत्तियां ली है। और अभी जो ये डबल क्लच सेटिंग का जो नट है, इसके नट के और ये पर्स प्लेट के बीच में जगह नहीं है। देखो इसीलिए ये दोनों फिंगरों के साथ में ये भी उठ रहा था। इसकी अपन जगह करते हैं। अपन देखो अभी पहले इस नट को अभी खोलते हैं। थोड़ा टाइट हो रहा है, अभी खोलते हैं, देखते हैं इसको। अंदर थोड़ा मुश्किल से होता है, लेकिन कर लेंगे, कोई नहीं। ये देखो अभी खुल गया है। इस चाकी को अपन थोड़ी लूज कर देते हैं, उसके बाद अपन इस नट को अंदर डालते हैं। इसको अभी थोड़ा अंदर कसते हैं ताकि इसके ऊपर नट के और पर्स प्लेट का जो तवा है इसके बीच में जगह करते हैं। ये एक इसीलिए करते हैं कि ट्रैक्टर के दो हिस्से करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो अभी थोड़ा देखो लूज आ रहा है, इसका मतलब थोड़ा सा अपन ने ज़्यादा कस दिया इसको। इसको वापस खोलते हैं। ये देखो अपन ने वापस खोल दिया, अब ठीक है। भाई साहब थोड़ा क्लच दबाना, अपन क्लच दबाएंगे तब देखना ये अभी ये नट अपना काम करेगा। क्लच को पूरा दबाना। ये देखो ये पल्ले हैं, देखो इसके बीच में देखो ये इतनी पल्ले होनी चाहिए, ये ठीक है ना ये। और इसको दबा के रखो, दबा के रख दिया। अब आप इस नट को चाकी को कसते हैं, देखो ये, ताकि ये ऊपर से साथ में ना घूमे। ये देखो लॉक हो गई। छोटो भैया अब अपना ये मार्क किया हुआ है और अपन इसको अब घुमाते हैं। ये लो, इसको घुमाते हैं। ये ऐसे नहीं घूमेगा, चलो अपन ट्रैक्टर से सेल्फ से घुमाते हैं। ये चौक खींचो भैया, चौक खींच लो ट्रैक्टर की पूरी।
पूरी खींच ली। अब लो यहाँ से सेल्फ लगाओ, थोड़ा सा एक राउंड दे लेना। न्यूट्रल है ट्रैक्टर तो देख लेना। हाँ ठीक है, अभी राउंड ले रहा हूँ एक। बस ये देखो दोस्तों, दूसरा भी आ गया, इसको भी अपन मार्क कर देते हैं ताकि तीसरा जिस समय लेंगे अपने वो मालूम चल जाएगा कि भी कौन सा आया हुआ है और कौन सा नहीं आया हुआ है। चलो इसको भी चेक करते हैं ऊपर जगह कितनी है। जगह नहीं है दोस्तों, देखो ये अभी इसको भी जो ये नट को लॉक वाली चाकी है उसको खोलते हैं। देखो ये खोल दिया अपन ने, अब ऊपर से कसते हैं। देखो इसको, इस बोल्ट को कसते हैं दोस्तों। कभी कोई लोग बोल्ट बोलते हैं, कोई नट बोलते हैं, कोई चाकी बोलते हैं, जो मैं मेरी भाषा में बोलता हूँ उसमें आप समझ लेना। क्या है कि लोग कहते हैं कि आईटीआई की हुई है, आईटीआई में वो सिखाते हैं, वो सिखाते हैं, सिखाया था दोस्तों, लेकिन क्या है अपनी भाषा अपनी होती है, भाषा में आ जाते हैं वापस। अभी भी देखो टाइट है, भाषा क्या है सेम जो वर्कशॉप की होती है दोस्तों, वो छूटती नहीं है, क्या करें। ये मारवाड़ी, हिंदी, राजस्थानी सब साथ में हो जाती है ना। अब देखो थोड़ा लूज हो गया ज़्यादा, इसको अभी देखते हैं। अभी देखो इसको थोड़ा वापस खोलते हैं क्योंकि ये थोड़ा लूज ज़्यादा हो गया है। देखो थोड़ा सा इसको वापस कर देते हैं ये, अब देखते हैं। अब ठीक है दोस्त, ये देखो ये रुका हुआ है, इतना ही टाइट रखना है अपने को। हाँ अभी भैया क्लच दबाना, आप दबाना, आप दबा के छोड़ो। ये देखो आप दबाओ, ये देखो दबाओ, ये पल्ले हो गई देखो बीच में, ये पूरा दबाओ। चलो अब इस चाकी को वापस लॉक कर देते हैं ताकि ये नट वापस अपनी जगह से ना हिले। ये हो गया लॉक। इसी तरह कंटिन्यू करते हुए अपन तीसरा फिंगर करते हैं। लो लगाओ सेल्फ, लगाओ एक राउंड ले जाना, लगाओ लगाओ, डरते क्यों हो, लगाओ, घुमा ही नहीं अभी तक तो, बस रुकना एक मिनट। हाँ नहीं, ये देखो दोस्तों मार्क किया, इसलिए अपने को मालूम चल गया ये किया हुआ है, वापस घुमाओ और आगे निकल गया है। रुकना, हाँ देखो इस पे मार्क नहीं है, इसका मतलब यही अपने को करना है। इसको चेक करते हैं, देखो इसमें भी जगह नहीं है, ये भी पूरा बिड़ा हुआ है। चलो इस लॉक चाकी को उसी तरह इसी को भी खोलते हैं। ये देखो अभी चाकी खुल गई है अपनी, और सेटिंग नट को कसते हैं। ये देखो ये अभी चेक करते हैं कितना इसमें गैप हो गया है। अभी देखो टाइट है, थोड़ा और करते हैं। ये देखो हो रहा है, ये चलो देखो, देखो लूज ज़्यादा हो गया है, इसको थोड़ा वापस खोलते हैं। ये थोड़ा और लूज है, इसको और खोलते हैं। थोड़ा टाइट हो गया है, वापस कसते हैं थोड़ा बहुत। ये लो दोस्तों आ गए अपनी जगह पे। हाँ भैया आप क्लच दबाना, आप बस आप दबा के छोड़ो, छोड़ो वापस छोड़ो। ये देखो दबाओ, ये देखो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो प्रेशर प्लेट है ये आप क्लच दबती है, यहाँ तक ये नहीं दबनी चाहिए, यहाँ तक। हाँ पूरा दबाओ आप, देखो ये देखो आगे, ये जिस समय उठेगी उस समय अपना जो पीटीओ क्लच है वो फ्री होगा, छोड़ के दबाओ। देखो आप तक ये आगे, ये आप तक ये ना आगे, ये पूरा दबाओ। ये देखो अब पीटीओ आउट हो गया। ठीक है दोस्तों,
अभी अपन ट्रैक्टर चालू करके देखते हैं कि कैसे काम करता है और कैसे नहीं करता है। अभी देखते हैं, देखो ये देखो दोस्तों, अभी देखो अपन ट्रैक्टर को चालू करते हैं। दोस्तों हाय, देखो अभी ट्रैक्टर चालू करते हैं, फिर लिफ्ट खड़ी करके देखेंगे, पीटी सब चला के देखेंगे और ट्रैक्टर को उठा के देखेंगे, अपने जो सेटिंग किया उसमें कितना अपने को फायदा हुआ है। अभी देखो ट्रैक्टर चालू करते हैं, ट्रैक्टर चालू हो गया आपका, देखो मैंने ये कलच दबा दिया पूरा, लिफ्ट खड़ी की है नहीं हुई है देखो, और यहाँ कलच छोड़ दिया, लिफ्ट खड़ी हो गई, ये देखो आगे बढ़ रहा है, देखो ये आगे बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, ये देखो और ट्रैक्टर भी गियर में है और ये लिफ्ट उठ रही है, मैंने पूरा गलत हो गया, लिफ्ट उठ गई, ये देखो ये ट्रैक्टर आगे बढ़ रहा है, ये लिफ्ट देखो ये उठ गई, ये दोस्तों अपना काम हो गया है। अब देखो मैं आपको इनसे मिलाता हूँ, जो ये ट्रैक्टर अपना यहाँ लेके आए हैं और इनका ट्रैक्टर का काम किया है अपन ने, ये देखो फिक्र जी अभी कैसे है, ठीक है एकदम ओके, अभी देखो आपका नहीं तो खोलना पड़ता था, अभी देखो ओके हो गया, इनसे बात करो, देखो इधर आओ, कैसा लग रहा है, ठीक अच्छा लग रहा है एकदम सही है। ये देखो दोस्तों इनका ट्रैक्टर रेडी रेट हो गया है, दोस्तों ट्रैक्टर का काम हो गया कर दिया अपन ने और इनका भी काम हो गया, लेकिन मेरा काम उस समय होगा जिस टाइम आप MRG चैनल को देखते हो, बहुत अच्छी बात है, और घंटी के निशान को भी दबाते हो वो भी अच्छी बात है, लेकिन सब्सक्राइब भी करते हो वो भी अच्छी बात है, और वीडियो को शेयर भी करते हो वो भी अच्छी बात है, लेकिन मैं मेरी तरफ से आपको एक ही बात कहूँगा कि MRG चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वो लाल वाली जो पट्टी है ना उस पट्टी को दबा देना, वो आप इतना कर देना, और उसके पास में जो घंटी है उसको भी दबा देना, घंटी को लेके मत जाना, घंटी वहीं रखना, क्यों कि दोस्त बहुत है, दूसरे आएंगे वो भी उस घंटी को दबाएंगे, घंटी को वहीं रहने देना और वीडियो को आगे शेयर कर देना, वीडियो आगे चले जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, घंटी को रखना है और वीडियो को शेयर करना है, ठीक है दोस्तों, जय हिंद और सत श्री अकाल, और दोस्तों खुदा हाफिज और राम राम, दोस्तों जय हिंद, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वो लाल वाली जो पट्टी है ना उस पट्टी को दबा देना, वो आप इतना कर देना, और उसके पास में जो घंटी है उसको भी दबा देना, घंटी को लेके मत जाना, घंटी वहीं रखना, क्यों कि दोस्त बहुत है, दूसरे आएंगे वो भी उस घंटी को दबाएंगे, घंटी को वहीं रहने देना और वीडियो को आगे शेयर कर देना, वीडियो आगे चले जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, घंटी को रखना है और वीडियो को शेयर करना है, ठीक है दोस्तों, जय हिंद और सत श्री अकाल, और दोस्तों खुदा हाफिज और राम राम, दोस्तों जय हिंद।